फैक्टराइज, आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चनों को आपने फैक्टराइज करना है। आपने इस्तेमाल करना है कुछ आइडेंटिटी जो इन क्वेश्चनों में आपके पास इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, 49a² + 70ab + 25b² है आपके पास। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं इस वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, यानी कि मैं 49a² + मैं लिख रहा हूँ 25b² + 70ab, यानी कि इस वैल्यू को मैं आगे पीछे करके लिख दिया। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो आपको पता है कि हमारे पास जब भी प्लस के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आता है तो आइडेंटिटी आपके पास फर्स्ट लगती है, जो आपके पास होती है x² + 2xy + y² है। आसानी के लिए मैं वाई स्क्वेयर को आगे लिख रही हूँ, यानी कि x² + y² + 2xy। मैं वाई स्क्वेयर को आगे इसलिए लिख रहा हूँ, x और y की अपने वैल्यू ढूंढनी है, ये वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो x² 49a² दिख रहा है आपको, प्लस का साइन, y² 25b² दिख रहा है, प्लस और प्लस। एक्स वाई की वैल्यू जब भी आप ढूंढ लोगे तो आसानी से ये अपने आप मैच हो जाएगी। सबसे पहले मुझे ढूंढना है x² आसानी के लिए मैं x² लिख देता हूँ प्लस y² लिख देता हूँ, जिसमें आपको चीज़ों में समझने में आसानी आएगी। सबसे मुझे x² ढूंढना है, तो यहाँ पर 49a² है, 49 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 7, 7, 7, यानी कि मैं 49 को लिख सकता हूँ 7² साथ में a भी है तो 7a² मैं लिख सकता हूँ। 25b² तो मैं 25b² को लिख सकता हूँ 5b² आपने साफ साफ देखा है कि x² और y² आपके पास आ गए, यानी कि जो x की वैल्यू है वह हो जाएगी 7a और जो y की वैल्यू है वह आपके पास हो जाएगी 5b। यहाँ प्लस का साइन है और प्लस का साइन है 2, यहाँ रख देंगे 2 इंटू एक्स और वाई, यानी कि 7a × 5b। आज कर लेते हैं कि जो ये वैल्यू आई है आपके पास, ये 70ab के बराबर आ रही है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 35 आएगा, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 70 आएगा। तो आपको साफ साफ देखा है कि 70a × b, ab आपके पास आ गई, यानी कि ये वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक आ गई है। तो हमारे पास जो फैक्टर बन के तैयार होंगे x + y² यानी कि 7a + 5b² हो जाएगा। स्क्वायर है तो इस वैल्यू को हम दो बार लिख देंगे, यानी कि 7a + 5b, यही है आपका आंसर। फिर करते हैं सेकंड पार्ट को, 25/4x² - y² / 9। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x² आ रहा है माइनस y² आ रहा है, तो आपके पास जो आइडेंटिटी आएगी वो आ जाएगी थर्ड आइडेंटिटी में आपके पास है a² - b² तो आपके पास होता है a + b और a - b। a² अगर मैं इसको लिख दूँ a² - b² तो ये आपके पास दोनों बराबर है, यानी कि मुझे a² ढूंढना है। तो ये मेरे को आपको साफ साफ दिख रहा है कि 25 को मैं 5 लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, x² को लिख सकता हूँ x, इनका कर देता हूँ 4² सोल्व करके देख लेते हैं, 5² = 25, 2² हो जाएगा आपके पास 4, x² हो जाएगा x² माइनस y² / 9 को मैं ले सकता हूँ y / 3² चेक कर लेते हैं, y² और 3² आपके पास हो जाएगा 9। आपने साफ साफ देख रहा है कि a और b की आपके पास वैल्यू आ गई, मेरे पास a आ गया है 5/2x और b मेरे पास आ गया है y/3। यहाँ पर पुट कर देते हैं a + b a - b, तो आपके पास होगा 5/2x + y/3 हो जाएगा और 5/2x - y/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके सेकेंड पार्ट का आंसर।